नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी 25 महत्वपूर्ण खबरें आ रही है सामने, एक एक करके आपको बताएंगे आगे आज की तमाम सेलेक्टेड खबरों के बारे में। यूपी के अंदर क्या कुछ नई बड़ी घोषणाएं की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर ही 10 बड़ी सरकारी योजनाओं के साथ में यूपी के अंदर कई बड़े नियमों के अंदर बदलाव करने की घोषणा कर दी। वहीं आज 10 बड़े ऐलान के साथ में किसानों से लगाकर गरीब लोगों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वहीं बेरोजगारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा होती हुई नजर आ रही है। यूपी के अंदर गरीब लोगों के लिए बड़ी योजनाओं के साथ में विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी सौगात दी गई है। वहीं टैक्स भरने वाले लोगों के लिए भी योगी सरकार ने बड़ी राहत भरी खबरें दी है अगले 15 अप्रैल तक। लेकर चलते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सेलेक्टेड खबर की ओर में, जो यूपी के अंदर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत में लोगों के खातों में 11वीं किस्त भेजने का बड़ा ऐलान जारी कर दिया, जो केंद्र सरकार की ओर से पीएम मोदी के द्वारा किस्तें जमा कर दी गई है किसानों के खाते में, जिनकी केवाईसी पूर्ण तरीके से सही थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर एक और महत्वपूर्ण घोषणा आ रही है सामने, सहारा के अंदर अटका हुआ पैसा अब दोस्तों जल्द आपके खाते में मिलेगा। सहारा इंडिया को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है और सहारा श्री के द्वारा भी लाइव आकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल के बाद में प्रत्येक परिवार के पैसे दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर एक और बड़ी घोषणा उत्तर प्रदेश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ई श्रमिक कार्ड धारकों के खातों में 1,000 रुपये राशि डालना प्रारंभ कर दिया गया है और आज से स्टार्ट हो चुकी है राशि। अगले 15 अप्रैल तक बड़े तौर पर ऑपरेशन चलेगा लोगों के खातों में पैसे डालने का। करीबन 20 लाख लोगों के खातों में आएंगे 1,000 रुपये की राशि। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है सामने, जो आपके लिए जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी के पशुपालन करने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है योगी सरकार। 10 लाख रुपए तक की लोन देगी यूपी सरकार बिना किसी ब्याज पर। कैबिनेट के अंदर पशुपालन मंत्री के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है और कैबिनेट के अंदर ये बड़ी घोषणा होती हुई दिखाई दे रही है पशुपालन करने वाले लोगों के लिए। यूपी सरकार इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्शन के अंदर नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर एक और सिलेक्टेड खबर आ रही है सामने, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज बड़े तौर पर ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में एक बार फिर से यूपी के अंदर फॉर्म प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। करीबन 17 लाख लोगों को मिलेंगे आवास सरकारी और ग्रामीण इलाकों के अंदर। योगी सरकार की ये महत्वपूर्ण घोषणा है और पीएम मोदी के द्वारा इनको लेकर मुहर लगा दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार की एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है सामने, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। पीएम जनधन खाता धारकों के खातों में प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये की राशि डालेगी योगी सरकार। महिलाओं के खाते में अभियान के तहत में पहले उनकी पूरी तरीके से जानकारी जुटाकर उनके खातों में डालेगी सरकार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार की एक और महत्वपूर्ण घोषणा, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई को लेकर खाने के तेल में भारी गिरावट की गई है। यूपी के अंदर वित्त मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। खाने के तेल के अंदर 15 किलो के भाव को लुटाकर सीधे 1,500 रुपये तक पहुंचा दिए गए योगी सरकार के द्वारा। महंगाई की मार झेल रही यूपी के अंदर ये बड़ी घोषणा और बड़ी गिरावट की गई है खाने के तेल को लेकर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। सिलेक्टेड खबर में बड़ी खबर आ रही है सामने, यूपी के अंदर एटीएम के नियम को कर दिया योगी सरकार ने बदलाव, जिनके तहत में योगी सरकार अब यूपी के अंदर 5 बार एटीएम यूज करने वालों पर नहीं लगेगा बिल्कुल चार्ज, और 5 बार से अधिक कार्ड को यूज करने पर अतिरिक्त आपको 200 रुपये का चार्ज देना होगा यूपी के साथ किसी भी बैंक से आपका एटीएम रिलेटेड हो। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार की एक और महत्वपूर्ण घोषणा, मनरेगा के अंदर काम करने वाले श्रमिकों के खातों में अब प्रत्येक दिन की राशि के तहत में 300 रुपये की राशि डालेगी योगी सरकार और 100 दिन की जगह अब 200 दिन का रोजगार देगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। दूसरी बार लौटने के बाद ये कैबिनेट के अंदर बड़ा फैसला लिया गया है सीएम के द्वारा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है सामने, पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के अंदर बड़ा फैसला लिया है। टैक्स को घटाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े तौर पर ऐलान किया है 15 अप्रैल के बाद में। केंद्र मंत्रालय की ओर से अगर कोई बड़ा अपडेट नहीं आता है तो योगी सरकार करेगी वेट को कम। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी सरकार की एक और महत्वपूर्ण घोषणा, गरीब लोगों के लिए योगी सरकार लेकर आई है बड़ी सौगात। अब अगले 5 सालों तक राशन सामग्री के साथ में चावल और तेल से लगाकर शक्कर भी मिलेगी बिल्कुल मुफ्त में। योगी सरकार की ये महत्वपूर्ण घोषणा है। गेहूं के साथ साथ में योगी सरकार बड़े फायदे देती हुई दिखाई दे रही है।
बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार की एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। यूपी के किसानों के लिए बड़ी सौगात है। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है और किसान भी खुश होते हुए दिखाई दे रहे। 15 अप्रैल से गन्ने की खरीद में योगी सरकार करेगी, जिसको लेकर 100 रुपये की बढ़ोतरी के साथ में सरकार खरीदेगी गन्ना। चाहे वो कोई भी ठेकेदार हो या मंडियों के अंदर 100 रुपये अधिक में बिकेगा अब गन्ने का भाव। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी सरकार को लेकर एक और महत्वपूर्ण योजना, गरीबों के अंदर बड़ी घोषणा की गई है। बालिका विवाह अनुदान राशि को 51,000 से बढ़ाकर योगी सरकार ने कर दिया 1,00,000 रुपये। ये योगी सरकार की महत्वपूर्ण राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के अंदर बालिका विवाह अनुदान राशि योजना के तहत में बड़ी राहत दी गई है। यूपी के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है। CM योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा ये बड़ी घोषणा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार की एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है सामने। उत्तर प्रदेश के अंदर बैंक कर्मचारियों को लेकर चल रही पिछली हड़ताल के बाद योगी सरकार अब SBI बैंक किसी भी हालत के अंदर रहेगी। यूपी के अंदर खुली आप कभी भी उठा सकते हैं अपने पैसे। ATM के अंदर भी अब 24 घंटे मिलेगी सुविधा यूपी के अंदर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार की एक और महत्वपूर्ण घोषणा, उत्तर प्रदेश के अंदर अब महिलाओं को मिलेंगे उज्ज्वला गैस योजना के तहत में फ्री गैस सिलेंडर। ये मोदी सरकार और यूपी सरकार की बड़ी घोषणा है। दोनों ने मिलकर यूपी के अंदर एक बार फिर से गैस सिलेंडर फ्री देने की बड़ी घोषणा की है। होली और दीपावली के अवसर पर योगी सरकार ने करीबन 15,00,000 महिलाओं को गैस सिलेंडर बांट दिए गए हैं। योजना और योगी सरकार के 2.0 बनने के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर ये महत्वपूर्ण अभियान है। बढ़ते हैं अगली सेलेक्टेड खबर की ओर में, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज की बड़ी खबर है, यूपी सरकार के द्वारा ये बड़ी घोषणा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड ई श्रमिक कार्ड धारकों के खातों में योगी सरकार डालने जा रही है पैसे, और राशन कार्ड को भी किया जाएगा डिजिटलकरण। ATM की तरह होंगे अगले 15 अप्रैल के बाद में राशन कार्ड। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार को लेकर एक और महत्वपूर्ण घोषणा, किसानों को बड़ी राहत दी गई है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत में 11वीं किस्त के साथ साथ में अब जमीन को लेकर 2,000 रुपये के साथ में बीज अनुदान मिलने वाली राशि को भी योगी सरकार ने बढ़ा दिया है। वहीं किसानों के लिए बिजली बिल को भी माफ कर दिया है योगी सरकार ने। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार को लेकर योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के मंत्रियों को बड़े आदेश भी दे चुके हैं, जिसके चलते यूपी के अंदर अब युवाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी। यूपी के बेरोजगारों के लिए योगी सरकार लेकर आई है बड़ी योजना, जिसके तहत में 1,00,000 रुपये तक की राशि आपको दी जाएगी। आधार कार्ड और राशन कार्ड पैन कार्ड के जरिए किसी भी बैंक से अंदर आप उठा सकते हैं अपना नया बिजनेस सेटअप करने के लिए योगी सरकार दे रही है पैसे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात, उत्तर प्रदेश के अंदर 10वीं 12वीं के स्टूडेंट के अंदर 70 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप और 3 साल तक इंटरनेट सुविधा बिल्कुल मुफ्त में। ये योगी सरकार की पहली और विद्यार्थियों के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर भी योजना बड़े तौर पर चलाने की तैयारी में सरकार है। यूपी की तर्ज पर कई राज्यों के अंदर बढ़ रही ये योजना है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। कैबिनेट बैठक के अंदर आज बड़ा फैसला लिया गया है, अगले 100 दिनों के भीतर 1,00,000 नए पदों पर होगी भर्ती। यूपी के बेरोजगारों को बड़ी राहत दी गई है योगी सरकार के द्वारा। बड़े आदेश जारी करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी कर दिए। यूपी के अंदर अगले 100 दिनों के भीतर किसी भी बोर्ड से रिलेटेड खाली पदों पर होगी 1,00,000 पदों पर भर्ती, और अगले 5 महीनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया होगी पूर्ण। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार को एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है सामने सेलेक्टेड खबर में। लॉकडाउन को लेकर पूरी तरीके से यूपी के अंदर नियम समाप्त कर दिए गए हैं और यूपी के जनता को अब मास्क से भी इजाज़त दी गई है। यूपी के अंदर दिल्ली की तर्ज पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने पहले ही लॉकडाउन के सारे नियम हटा दिए, और अब यूपी के अंदर भी CM योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे नियम हटा दिए। हिजाब विवाद के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में योगी सरकार, इसकी भी अब चर्चा विधानसभा के अंदर हो चुकी है और जल्द विधानसभा के अंदर बड़ा बिल भी पेश करेगी योगी सरकार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी सरकार की एक और महत्वपूर्ण खबरें आ रही है सामने। लगातार योगी सरकार बड़े ही फॉर्म के अंदर नजर आ रही है। यूपी के किसी भी विभाग के मंत्री को देखा जाए तो वो बड़े ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के अंदर गैस सिलेंडर के फ्री बांटने के साथ साथ में योगी सरकार अब ऑनलाइन डिलीवरी भी करेगी, आपके 1 SMS के जरिए सीधे आपके घर पर पहुँचाएगी योगी सरकार गैस सिलेंडर की टंकी। केंद्र सरकार की ओर से भी प्रत्येक राज्य को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, इसको लेकर भी CM योगी और कई राज्यों के अंदर बड़ी घोषणाएं होती हुई दिखाई दे रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।